नगर का में गया तो मैंने देखा था उसको। किस तरीके से अब आप पूरे जयपुर शहर को आवारा जानवरों से मुक्त कर रहे हैं? आज अखबार के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, नए साल में कभी लगा इसके अंदर एक 2018 में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें यह था कि भाई इस तारीख तक अगर हम पकड़ने के बाद में अगर वो पशु पकड़ेंगे तो उनके ऊपर पशु के हिसाब से 2000 रुपए पेनल्टी का एमईओ हुआ है। हम उसके अनुसार फंड पे कार्रवाई करेंगे, अगर अब पशु मिलते हैं तो उसको डिफिट नोट पकड़ाएंगे। जब इस तरीके से जयपुर शहर में एक पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी तक वो फर्म आवारा पशुओं को मुक्त नहीं करवा पाई, अब उसको किस तरीके से आप मॉनिटरिंग करेंगे? मॉनिटरिंग देखेंगे, मॉनिटरिंग के लिए हमने एक नया ऐप बनाया है, ऐप बनाएंगे जहाँ से हम पशु पकड़ेंगे उसकी फोटो होगी और फोटो होगी उसके बाद भेजेंगे उसकी नंबरिंग होगी, सारा सिस्टम है। अभी हमने गौशाला का चेक कराया है, पूरी संख्या भी देखी है कितनी गायें हैं कितनी नहीं है, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो लोग जैसे ही उसको पकड़ के ले जाएंगे हमारी टीम पता लग जाएगा हमारे को, उतनी उसकी इम्पोज करके जब उसका बिल बनेगा तो उसमें से डिटेक्शन कर लेंगे। अच्छा, एक आज आपने स्वच्छता को लेकर बड़ा एक मैसेज दिया है, स्वच्छता में जयपुर शहर की रैंकिंग बिगड़ने के बाद में आज आपने दौरा किया, उसमें दो अधिकारियों को आपने सस्पेंड भी किया है, क्या कुछ नाम? जयपुर शहर में मैं लगातार पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा घूम रहा हूँ, मेरे को जयपुर शहर बहुत गंदा नजर आ रहा है, जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ गंदगी नजर आ रहा है, तो गंदगी के प्रति जिन अफसरों का दायित्व है उनके विरुद्ध मैंने कार्रवाई की है ताकि बाकी के लोग सब सजग हो जाए। पूरे जयपुर शहर का जैसा भी होगा मैं मॉनिटरिंग करूंगा, मेरी नोट शीट और उसके आधार पर कार्रवाई होगी उनके आधार, ताकि जयपुर स्वच्छ वापस बने। हम तो ये चाहते हैं जयपुर एक नंबर पे हमें रैंकिंग लाना चाहते हैं, तो इसलिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव है, अगर कोई भी पार्टी आपको टिकट देती है तो किस तरीके से आपके ये अभी पार्टी डिसाइड कर ले, मैं तो कोई टिकट मांग नहीं रहा, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ लेंगे। आखिर किस पार्टी? नहीं, ये काल्पनिक क्वेश्चन मत पूछिए।